जी जी बिल्कुल। सबा जी, आप बुरा ना मनाए तो आप थोड़ी कमली लगती भी हैं। खैर, आई डोंट थिंक सो, ना मुझे कभी किसी ने कहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, शायद। अच्छा सबा जी, मुझे ये बताएं, हमारी जो पुरानी अदाकाराएं हैं जी जी, उनमें एक चमक धमक और एक जलवा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। टीवी से आने वाली जितनी अदाकाराएं हैं, आप और आपकी साथी अदाकाराएं, उनमें उस तरह का कोई जलवा चमक धमक नजर नहीं आती, इसकी कोई खास वजह? सर, चमक आ रही है अब और साथ में धमक भी आ रही है, जवाब देना पड़ेगा। चमत्कार साहब, बात ये कि खैर मुझे पुरानी एक्ट्रेसेस का तो नहीं पता, वो सभी बहुत कमाल थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर को नेचुरल और रिलेटेबल होना चाहिए, लाइक मेरी स्किन से लोग, मेरी स्किन बिलीवेबल लगनी चाहिए, लोग अपने आप के साथ मुझे और मेरी ज़िंदगी को रिलेट कर सकें, उन्हें लगे कि मैं उन जैसी ही हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। सबा जी, मेरा अगला सवाल है जी, कि हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस जो हैं, ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र उनकी होनी चाहिए और कितनी उम्र तक वो किनारा कशी इख्तियार कर लें? इस हिसाब से हमें 18 साल के बाद मर जाना चाहिए। सर, एक्टर तो एक कैरेक्टर होता है, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, उनकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी एज हो जाती है, तो क्या जब वो बूढ़े हो जाते हैं उन्हें मर जाना चाहिए? एक सवाल है मेरा। नहीं समझ आया, पता था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।